पेरेंट्स अक्सर इस बात को लेकर एक्साइटेड रहते हैं कि घर में आने वाला नया मेहमान लड़का होगा या लड़की। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि आने वाला मेहमान ना तो लड़का हो ना लड़की, बल्कि थर्ड जेंडर हो, जिसे आम भाषा में किन्नर, ट्रांस और गे जैसे नामों से पुकारा जाता है। साइंस की माने तो प्रकृति ने दो ही लिंग निर्धारित किए हैं, पहला मेल और दूसरा फीमेल। लेकिन कई बार शरीर में हॉर्मोन्स और अंगों के विकास की सो कॉल्ड गड़बड़ी के चलते ये दोनों ही ना होकर बच्चे का लिंग तीसरे टाइप में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये सो कॉल्ड गड़बड़ी कहाँ और कैसे होती है? ऐसा क्या हो जाता है कि लड़का या लड़की पैदा होने वाले बच्चे का प्राइवेट पार्ट और मानसिकता में इतना बदलाव आ जाता है? दुनिया भर में पैदा होने वाले हर 2000 बच्चों में से एक बच्चा थर्ड जेंडर होता है, बावजूद इस केस के बारे में खुलकर बात नहीं होती। सवाल ये है कि ऐसा क्या बदल जाता है कि लड़का या लड़की के रूप में पैदा होने वाला बच्चा थर्ड जेंडर के रूप में विकसित होने लगता है। साइंस की माने तो थर्ड जेंडर एक सो कॉल्ड गड़बड़ी है, जो कि सामान्य तौर पर नहीं होनी चाहिए। ऐसा होने के कई कारण हो सकते हैं, जिनमें से दो को मुख्य माना जाता है। सबसे पहला है क्रोमोसोम में गड़बड़ी। पिछले वीडियोस में हमने आपको बताया कि लड़की के एग में एक्स क्रोमोसोम और लड़के के स्पर्म में एक्स या वाई दोनों में से कोई भी क्रोमोसोम हो सकता है, जो कि मिलकर XX या फिर XY क्रोमोसोम बनाते हैं, XX यानी लड़की और XY यानी लड़का। लेकिन कई बार एग, स्पर्म या फिर दोनों के मिलाप से बनने वाले जाइगोट में दिक्कत आ सकती है। ऐसे में हो सकता है कि भ्रूण में दो क्रोमोसोम के जोड़े की जगह तीन या फिर एक ही क्रोमोसोम बन पाए। दूसरा है हॉर्मोन्स में गड़बड़ी। प्रेगनेंसी के दौरान हो सकता है कि महिला के शरीर में किसी हॉर्मोन की अधिकता हो जाए या फिर कोई हॉर्मोन बने ही नहीं। इससे बच्चे के लिंग पर असर पड़ सकता है। उदाहरण के लिए एक बच्चे का विकास लड़की के रूप में हो रहा हो, लेकिन किसी कारण से महिला के शरीर में मेल हॉर्मोन की अधिकता हो जाए या फिर फीमेल हॉर्मोन बने ही नहीं, और ऐसे में बच्चे का विकास लड़के के रूप में होने लगे, या फिर इसका उल्टा कि बच्चा लड़का हो लेकिन महिला के शरीर में फीमेल हॉर्मोन की अधिकता हो। इस हॉर्मोन के उतार चढ़ाव के कई कारण हो सकते हैं। एड्रेनलिन ग्लैंड के द्वारा बनाए गए हॉर्मोन्स भी इन्हीं में से एक है। एड्रेनलिन ग्लैंड किडनी के ऊपर एक टोपीनुमा चीज है, जो कि कोर्टिसोल हार्मोन के साथ कई सारे सेक्स स्टेरॉइड्स भी बनाता है। इनमें इंबैलेंस होने से बच्चे का लिंग प्रभावित हो सकता है। ऐसे ही शरीर में बनने वाला एगोमेटीज एंजाइम, जो कि मेल हार्मोन एंड्रोजन को फीमेल हार्मोन ईस्ट्रोजन में बदलता है, इसकी गड़बड़ी से भी बच्चे का लिंग प्रभावित हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि फीटिस यानी भ्रूण किसी हार्मोन के लिए इनसेंसिटिव हो, ऐसे में हार्मोन अपना काम पूरा ही नहीं कर पाए और जननांग पूरी तरीके से विकसित ना हो। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि प्रेगनेंसी के दौरान कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जिनके संपर्क में आना बच्चे के लिंग को प्रभावित कर सकता है। इन्हें थैलेट्स कहा जाता है। प्लास्टिक में पाया जाने वाला BPA भी इन्हीं में से एक है। LGBTQIA, इसमें हम बात करेंगे आई यानी इंटरसेक्स टर्म के बारे में। इंटर यानी बीच का और सेक्स यानी लिंग या फिर जेंडर। ऐसा शख्स जिसके जननांगों को देखकर ये पता ना लगाया जा सके कि वो लड़का है या फिर लड़की। और इस केस में भी कई संभावनाएं बनती हैं। जैसे हो सकता है कि एक शख्स के पास लड़के और लड़की दोनों के जननांग यानी टेस्टिकल्स और ओवरीज हो, ये अलग अलग या फिर साथ में जुड़े हुए भी हो सकते हैं। इसे ओवो टेस्टिकुलर डिसऑर्डर कहा जाता है। कई केस में लड़कों के पास फिलोपियन ट्यूब और यूट्रस भी पाया जाता है। इसे पर्सिस्टेंट मुलेरियन डक्ट सिंड्रोम कहा जाता है। बाहरी अंगों में भी फर्क हो सकता है, जैसे कि जन्म या प्यूबर्टी के समय किसी का क्लिटोरस पीनिस की ही तरह बाहर निकल जाए या फिर लाबिया ना हो। ऐसा भी हो सकता है कि किसी का लिंग बहुत छोटा हो या फिर साथ में वजाइना की ही तरह एक कट मौजूद हो। थर्ड जेंडर के बारे में बात आती है तो ज्यादातर लोगों का ध्यान जननांगों की तरफ ही जाता है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि शारीरिक रूप से पूरी तरीके से लड़का या लड़की दिखने वाला शख्स भी थर्ड जेंडर हो। ऐसे लोगों को ट्रांसजेंडर कहा जाता है। आसान भाषा में कहें तो कोई शख्स जिसका शरीर लड़का या लड़की के रूप में विकसित तो हुआ है, लेकिन उनके दिमाग की ओर से भेजे गए सिग्नल्स उनकी आइडेंटिटी को अलग तौर पर दिखाते हैं। ऐसे लोग अपने शरीर में फंसा हुआ महसूस करते हैं। कई लोग अक्सर पूछते हैं कि किन्नर कौन होते हैं, तो जवाब है कि दोनों हो सकते हैं, ट्रांसजेंडर या फिर इंटरसेक्स।
देखिए, जेंडर और सेक्सुअलिटी दोनों अलग अलग चीजें हैं। जेंडर का मतलब है आपका लिंग, यानी आप अपने आप को किस तौर पर पहचानते हैं, लड़का या फिर लड़की। और सेक्सुअलिटी का मतलब है कि आप किसकी ओर आकर्षण महसूस करते हैं। फर्ज के तौर पर कोई लड़की लड़की के प्रति आकर्षण महसूस कर सकती है, इसे लेस्बियन कहा जाता है। कोई लड़का लड़की के प्रति आकर्षण महसूस कर सकता है, इसे गे कहते हैं। कई बार थर्ड जेंडर की अदर टर्म्स को दिखाने के लिए भी गे शब्द का यूज किया जाता है, तो कंफ्यूज ना हो। बी का मतलब है बाइसेक्सुअल, वो लोग जो लड़के और लड़की दोनों के प्रति आकर्षण महसूस करते हैं। ट्रांसजेंडर तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। क्यू का मतलब है क्वेर, वो लोग जो अपनी सेक्सुअलिटी को लेकर श्योर नहीं है, वो इस बात का अंदाजा नहीं लगा पाते कि वो लड़की के प्रति आकर्षण महसूस करते हैं या फिर लड़की के प्रति। अब बचा आई और ए। इंटरसेक्स के बारे में तो हम शुरुआत से बात कर ही रहे हैं। ए का मतलब है एसेक्सुअल, यानी कि वो लोग जो लड़के और लड़की दोनों में से किसी भी लिंग के प्रति आकर्षण महसूस नहीं करते। थर्ड जेंडर किसी भी तरीके की बीमारी नहीं है, तो इसका इलाज भी मौजूद नहीं है। इसके लिए ना तो माता ना ही पिता और ना ही होने वाले शख्स यानी उस बच्चे को ब्लेम किया जा सकता है। हालांकि कुछ लोग अपना सेक्स बदलवाने के लिए सर्जरी का सहारा लेते हैं, लेकिन ये भी पूरी तरीके से उन्हीं का डिसीजन होना जरूरी है। उसको समझने के लिए यूं समझें आप कि कैटेगरीज बहुत सारी हैं, लेकिन दो में डिवाइड करें अपन, तो एक फिजिकल होती है, उसमें फिजिकल के अंदर उसके ऑर्गन्स ढंग से फिजिकली नहीं दिखते हैं, दैट कैन बी बिकॉज ऑफ उसके जीन्स में, जीन्स की प्रॉब्लम हो सकती है, हार्मोन्स की हो सकती है, या इम्प्रॉपर ऑर्गन है, तो इसलिए कन्फ्यूजन हो जाता है। दूसरा है साइकोलॉजिकल, कुछ बच्चे बड़े होकर के कहने लगते हैं कि जैसे मेल है वो कहता है कि मेरे को लगता है मैं अंदर से फीमेल हूँ, और फीमेल है वो कहती है मेरे को लगता है कि मैं मेल जैसे मैं एक्ट करती हूँ। तो माँ बाप को ये समझना चाहिए कि ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको बीमारी नहीं समझें। इसका क्या सलूशन है? सलूशन ये है कि पहले हम उनकी उनको किसी डॉक्टर के पास राय लेने के लिए जाएं, इसको क्योंकि ये डिजीज नहीं है, वो साइकाट्रिस्ट है वो जो उसको डील करेगा, वो काउंसलिंग भी कर सकता है, और वो काउंसलिंग करके वो समझ सकता है कि उसको प्रॉब्लम क्या है। दूसरा सोल्यूशन है सर्जरी, कुछ लोग कहते हैं कि मैं फीमेल हूँ लेकिन मेरे को मेल बनना है, या मेल हूँ मेरे को फीमेल बनना है, तो ये आसान नहीं है इसका तरीका, क्योंकि एक मेडिकल बोर्ड बैठता है वो डिसाइड करता है कि आप उसके लिए फिट हैं या नहीं है, प्लस इंडिविजुअल की परमिशन लेनी पड़ती है कि वो ये चाहता है नहीं चाहता, उसको काउंसिल करके। तो ये भी समझें कि ऑपरेशन का मतलब ही नहीं कि आप प्रॉपर चेंज हो जाएंगे। ऑपरेशन का मतलब है कि आपका जैसे आपके पेनिस बना दिया है, लेकिन उसके टेस्टिस नहीं है, स्पर्म क्रिएट नहीं कर सकते हैं, वजैना बना दिए है, फीमेल बना दिया आपको, लेकिन अंदर का ऑर्गन्स तो यूट्रस और ओवरी नहीं है, तो वो बच्चे भी नहीं हो सकते हैं। जो मेन इसके अंदर हेल्प होती है, वो मेन हेल्प ये होती है कि कम से कम वो जो पर्सन है वो कंफर्टेबल हो जाता है अपनी सेक्सुअल आइडेंटिटी के लिए, जो वो चाहता है कि नहीं मैं जो हूँ मैं अंदर से जो हूँ मैं बाहर से भी वही हूँ। तो आप उनकी मदद करें, ऐसे पेरेंट्स को सामने आना चाहिए, उसकी प्रॉब्लम को बच्चे के समझना चाहिए, उसकी हेल्प करनी चाहिए। तो दोस्तों, आई एम श्योर इस वीडियो में आपने कुछ नया सीखा होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक जरूर करें। कमेंट बॉक्स में मुझे ये जरूर बताएं कि आपने कौन कौन सी नई चीजें देखी और कौन कौन से वो टॉपिक हैं जिसके बारे में आप आने वाले वीडियोस में जानकारी चाहते हैं। और हाँ, इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, ताकि लोग ये जान पाए कि थर्ड जेंडर आखिर होता क्या है, और उन्हें पूरे रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करें।